इस वीडियो में आप चार तरीके देखेंगे जिनसे आप अपने बच्चे को एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखा सकते हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका मम्मी ट्यूबर इंडिया में। इस वीडियो के पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि आप अपने बच्चे का बेस कैसे रेडी कर सकते हैं उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाने से पहले। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा, मैंने लिंक आई बटन में डाल दिया है। वो वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली इस वीडियो से आपका काम नहीं होने वाला है, वो वीडियो भी आपको देखना पड़ेगा अपने बच्चे को बिल्कुल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पक्का करने के लिए। आज मैं 4 मेथड्स शेयर करने वाली हूँ जो सब बच्चों के लिए है। मतलब आपका बच्चा अगर एक मेथड से नहीं सीख पा रहा है, आप दूसरा ट्राई कर सकते हैं, दूसरे से नहीं तो तीसरा कर सकते हैं। बट स्पेशली जो 4th मेथड है वो ऐसे बच्चों के लिए है जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, डिसलेक्सिया होता है कुछ बच्चों को, यानी जो जिनको थोड़ी लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, जो अपनी एज के हिसाब से नहीं लर्न कर पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए 4th मेथड बहुत हेल्पफुल होता है। जल्दी से शुरू करते हैं ये वीडियो, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेथड 1, और अगर आप ये देख रहे हैं ये सब क्या है, तो ये मेरे जो पिछला वीडियो था जो कि prerequisites थे एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाने के लिए, उस वीडियो का पूरा कंटेंट है। प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो देखते हैं मेथड 1। मेथड 1 है नंबर लाइन। ये सबसे इजी मेथड होता है बच्चे को एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाने के लिए। आप इस तरीके से एक नंबर लाइन बना के दे दें, एंड हमेशा याद रखिए 0 से शुरुआत करिए। 0 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अगर आपने बच्चे को दिया 2+3, हमेशा इजी नंबर से शुरुआत करें, शुरू में ही 8+9, 4+5 मत दे दें। अब बच्चे से कहिए फाइंड 2, बच्चा बताएगा दिस इज़ 2, और चाहे तो आप सर्कल भी इस तरीके से करा सकते हैं। नाउ ऐड 3 टू इट, तो 1, 2, 3, ओके, 3 बार आपको जंप करना है। सो नाउ व्हाट डू यू गेट, यू गेट 5। सो 5 इज़ द आंसर। माइनस पढ़ाने के लिए, माइनस में भी पहले आप सिंपल नंबर से शुरुआत करें, मतलब छोटे नंबर से शुरुआत करें, जैसे 5-2। तो बच्चे से कहिए वेयर इज़ 5, और उसी से लोकेट करने को कहिए 5। नाउ जब हम ऐड करते हैं तब हम राइट मूव करते हैं, यानी इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जब माइनस करते हैं तो हम बैक मूव करते हैं। और जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्लस माइनस सिखाने के लिए 3 prerequisites हैं, जिसमें से एक है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड काउंटिंग। और मैंने ये भी बोला था कि जब आप आगे वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सिखाना क्यों ज़रूरी है एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाने से पहले। रीज़न ये है, आपके बच्चे को अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग नहीं आती होगी तो वो प्लस और माइनस नंबर लाइन पे नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो जब हम माइनस करते हैं वी गो बैकवर्ड, यानी कि बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं। 5, 1, 2, सो व्हाट नंबर डिड यू गेट, यू गॉट 3। 5-2 इज इक्वल टू 3। सेकेंड मेथड है बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाने का, वो ये है, वो है डॉट मेथड। ओके, डॉट मेथड। 4+2, तो 1, 2, 3, 4, बच्चे से डॉट्स बनवाइए या इस तरीके से सर्कल्स बनवाइए, एंड 2, 1, 2, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये मेथड नॉर्मली स्कूल्स में यूज़ होता है, मतलब कई स्कूल्स में ये मेथड यूज़ होता है एंड कई स्कूल्स में ये होता है। ये दोनों सबसे सिंपल और सबसे कॉमन मेथड्स हैं 1-digit एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाने के। ऐसे ही अगर 5-3, तो इनकरेज करिए बच्चे को कि सिर्फ पहले नंबर पे ही वो सर्कल्स बनाएं, दूसरे पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5, माइनस 3 करना है तो आप 3 सर्कल्स हटा दो, 1, 2, 3, ठीक। थर्ड मेथड इज़ हेड एंड फिंगर्स मेथड। हेड एंड फिंगर्स मेथड, ओके। इस मेथड में हम एक इमेजिन करेंगे, एक मतलब आप बच्चे से खुद को इमेजिन करो, ये है प्राशी। शुरुआत में आप ऐसे बना सकते हैं, बाद में थोड़ी प्रैक्टिस के बाद बच्चा खुद ही अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके करेगा, बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमने एक बच्चे को इमेजिनरी फिगर दे दिया, उसको खुद को बोल दिया कि दिस इज़ प्राशी। जैसे मेरी बेटी का नाम प्राशी है, तो ये है प्राशी। अब मैंने प्राशी को बोला, प्राशी 4+2, तो प्राशी ने जो बिगर नंबर है उसको रखा अपने हेड में। वेयर डिड शी कीप, शी केप्ट द बिगर नंबर इन हर हेड।
एंड क्योंकि ये हेड एंड फिंगर्स मेथड है तो बाकी के जो नंबर है उसको फिंगर्स पे काउंट करने हैं. फोर इज़ इन द हेड, फोर गया हेड में और फिंगर्स पे आएगा फोर के आगे, यानी कि फाइव सिक्स. द आंसर इज सिक्स. ये मेथड थोड़े से बड़े बच्चों के लिए है, मतलब आप कह सकते हैं कि जब अपर केजी में बच्चा प्लस माइनस सीख जाएगा वन डिजिट इस तरीके से, तो एंड साल के एंड होते होते या क्लास फर्स्ट में इस तरीके के मेथड जब फिंगर्स पे काउंट करना होता है तब सिखाया जाता है. वैसे अपर केजी में भी सिखाया जाता है बट शुरुआत इनसे करी जाती है, बाद में इस तरीके के मेथड्स यूज़ होते हैं. फिर से मैं बता दूं आपको बच्चे को इंटरेस्टिंग बताने के लिए क्या कहना है. बच्चे को जैसे आपने दे दिया 3 + 5, अब बच्चे से कहिए कि इमेजिन प्राची के हेड में बिगर नंबर गया है. ओके, विच नंबर इज़ बिगर? 5. और देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था प्री रिक्विजिट्स के बारे में कि आपको ये इन तीनों में से मोर और लेस, मतलब तीनों आने चाहिए एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाने से पहले, मोर और लेस भी था जिसमें से एक, तो इसीलिए कहा था. अब बच्चे को जब बड़ा नंबर पता होगा, मोर और लेस का कॉन्सेप्ट पता होगा या बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट पता होगा तभी वो इस मेथड से ऐड कर पाएगा और उसका टाइम बचेगा. वरना बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली, हमेशा 1, 2, 3 पहले काउंट करेंगे, फिर दूसरे हाथ में 1, 2, 3, 4, 5, अब पूरा एक साथ काउंट करेंगे. अगर आपको अपने बच्चे की स्पीड बढ़ानी है तो आपको इस ये मेथड बहुत हेल्प करेगा. आप बच्चे से कहिए पुट द बिगर नंबर इन योर हेड, दिस इज Prashi. Now, 5 goes into her head. Head पे क्या चला गया? 5. 5 के आगे अब काउंट करना है. कितना काउंट करना है? 3. Okay? Show me your 3 fingers. 3. 6, 7, 8. जैसे मैंने बताया कि ये शुरुआत के लिए है, बच्चे को बाद में ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप उससे कहिए कि अपने आप को इमेजिन करो एंड नाउ देर इज 7 + 8, 8 को अपने हेड में रखो. 8 को अपने हेड में रखा, अब 7 फिंगर्स बाहर निकालो, 7 फिंगर्स एंड 8 के आगे से काउंट करो, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. अब सब्ट्रैक्शन सिखाना है तो सेम जैसे मैंने दिया 7 - 4 और ये है प्राची. नाउ प्राची विल पुट 7 इन हर हेड. ओके, 7 हेड में रखा एंड यू हैव टू पुट 4 फिंगर्स आउट. 4 फिंगर्स आपने निकाली और अब आपको बैकवर्ड काउंटिंग करनी है 7 से. तो 6, 5, 4, 3, आंसर इज 3. सिमिलरली आपने दिया 5 - 2. नाउ आपने 5 को अपने हेड पे रखा, बच्चे को बोला अपने दिमाग में रखो, हेड में रखो 5 को एंड 2 फिंगर्स निकालो. बच्चे ने 2 फिंगर्स निकाली एंड 5 से बैकवर्ड काउंटिंग शुरू करो, 4, 3, आंसर इज 3. मेथड फोर्थ है टच मैथ. और जैसे कि मैंने पहले बताया है ये मेथड जो थोड़े फिजिकली जिनको डिसेबिलिटी होती है लर्न करने के लिए, स्लो लर्नर्स हैं, डिसलेक्सिया है जिनको, उनके लिए है, बट नॉर्मल बच्चे भी सीख सकते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है. इसमें क्या होता है कि हर नंबर पे हम कुछ डॉट्स इमेजिन करते हैं, उतने ही डॉट्स जितना वो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे 1 के लिए हमने यहाँ डॉट बनाया, 2 के लिए यहाँ पे डॉट्स 1, 2, 3 के लिए 1, 2, 3 डॉट्स, 4 के लिए 1, 2, 3, 4, 5 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 के लिए 1, 2 and 3. एंड इसको हम ऐसे सर्कल कर देते हैं, डॉट प्लस सर्कल. तो यानी एक पॉइंट को दो बार काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 के लिए 1 इधर एंड अगेन वही एक पॉइंट को दो बार काउंट करना है, तो डॉट एंड सर्कल. 8 के लिए ये एंड अगेन सर्कल एंड 9 के लिए 1 इधर 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे ये सर्कल. अब आप सोचेंगे कि बच्चा अगर ये डॉट बना के काउंट करता रह जाएगा तो कितना टाइम लगेगा. तो जैसे मैं बोल रही हूँ वो थोड़े स्लो लर्नर्स होते हैं, उनके लिए मेथड है. अब
होता यह है कि बच्चा जल्दी ही समझ जाता है, मतलब कुछ टाइम बाद उसको बनाना नहीं पड़ेगा, जैसे ही वो नंबर 6 देखेगा, जैसे ही उसने देखा 4+1 है, तो उसको डॉट्स की पोजिशन याद हो जाती है करते करते, प्रैक्टिस करते करते उसको पोजिशन याद हो जाती है, फिर वो खुद ही आराम से काउंट कर लेगा 1, 2, 3, 4+1, 5, वो आराम से कर लेगा। और शुरुआत में जब बच्चे करते हैं तो वो दोनों नंबर्स पे डॉट बनाते हैं, जैसे मैंने दिया 3, 5+3, तो बच्चा जो होगा दोनों नंबर्स पे डॉट बनाएगा, इस पे भी, 5 पे भी, 3 पे। फिर धीरे से प्रैक्टिस के बाद वो सिर्फ एक नंबर पे डॉट बनाना सीख जाएगा, अगर आप उसको एनकरेज करेंगे तो। आप उसको कहिए 5, तो आपको पता है कि 5 होती ही है क्वांटिटी, अब आप 3 पे डॉट सिर्फ बनाओ 1, 2, 3, और उसको बोलो अब उसको काउंट करो, टोटल करो, तो 5+3, 8, 6, 7, 8। थोड़े दिनों बाद या थोड़े टाइम के बाद आप उसको ये बताएं, जैसे अगर 2+4 लिखा है तो अब वो पहला नंबर नहीं, इन दोनों में से जो नंबर छोटा है बस उस पर ही डॉट बनाए, पहला नंबर हेड में रखे, जैसे कि मेथड इसमें बताया था, थर्ड में बताया था, हेड एंड फिंगर्स मेथड में, तो पहला नंबर हेड पे रखे और सिर्फ छोटे नंबर पे डॉट बनाए, 4, 5, 6। तो ये थे 4 मेथड्स, आप इनमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, प्रेफरेबली वो मेथड यूज़ करिए जो आपके बच्चे के स्कूल में बताया गया है, लेकिन अगर उस मेथड से आपके बच्चे को नहीं सीखने को आ रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो इनमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। कीप वॉचिंग मम्मी ट्यूबर इंडिया, धन्यवाद।